बिहार का 111 स्थापना दिवस से अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां पे बिहार दिवस मनाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं एक स्टॉल में जहां पे महिला बाल विकास निगम बिहार है, जहां पे जिस तरह से मुख्यमंत्री महिलाओं को पढ़ाने और बचाने का है बात कर रहे हैं, उसी तरफ से उनका एक ये है खोला गया जहाँ पे महिलाओं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, महिलाएं और बच्चों पर, और जहाँ पे खुद के स्टार्टअप्स की बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कैसे आइडिया से यहाँ पे आप लोग स्टॉल खोली हैं। महिलाओं को, जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं खास करके, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि उनको विपणन के लिए एक जगह मिले, लोग उनके को जाने, उनके हुनर को पहचाने, उसके लिए यहाँ पे स्टॉल वगैरह आवंटित किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को कुछ ज़्यादा ये रहता है कि बाहर नहीं जा सकती हैं, ये काम नहीं कर सकती, उन लोग को आप प्रोत्साहित कैसे किए कि आगे बढ़ के अपने काम को दिखाएं? उनको हम यहाँ पे फ्री में स्टॉल दे रहे हैं, उनको भी उत्सुकता है कि हम वहाँ जाएं, अपने चीज़ों का प्रदर्शन करें, लोगों को दिखाएं क्या कुछ हम करते हैं, तो उनको भी उत्साह है। तो उनके घर वालों को थोड़ा सा रहता है ना कि महिला है कहाँ जाएंगी नहीं जाएंगी? घर वालों को लगता है, लेकिन महिलाएं भी अभी काफ़ी जो अभी देख रही हैं कि हमारे से, हाँ, बहुत सारी महिलाएं आगे आ रही है हर क्षेत्र में, उनको देख के ये लोग खुद ही मतलब, और हम लोग भी महिला बाल विकास निगम के लोग भी उनको काफ़ी प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उनको देख के ये लोग खुद ही मतलब, और हम लोग भी महिला बाल विकास निगम के लोग भी उनको काफ़ी प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं कि आप लोग आगे आइए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल है, आप कर नहीं सकते हैं, कुछ भी चीज़ अगर ठान ली जाए तो मुश्किल नहीं होती है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का बात जो बोला है नीतीश कुमार ने, क्या लगता है ये सफल है? हाँ सफल है, बिहार में 100% सफल है। बहुत पहले से देखिएगा कि बेटी लोगों में बहुत सुधार आया है, शिक्षा में, एजुकेशन में, उसको सोचने में, सब सच में बहुत बहुत विकास आया है। अगर खुद के स्टार्टअप की बात किया जाए तो महिलाओं के पूरे महिला यहाँ जितने भी पेरेंट देख रहे हैं, सब नए स्टार्टअप ही है। सब क्या यहाँ पे कैलेंडर लगा हुआ है, ये सब क्यों रखा गया? हमारे निगम का आईसी मटेरियल है, जन जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ पे लगाए हैं कि लोग यहाँ से ले जाएं, जाने महिला एवं बाल विकास निगम क्या क्या काम करती है और उसका लाभ भी ले वो लोग। यहाँ पे स्टॉल्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं, चलिए हम जानते हैं और बात करते हैं कि क्या कौन से बेसिस पे इन्होंने लगाया। क्या क्या नाम हुआ आपका? कलश। खुद का ये आप स्टार्टअप किए क्या? ये स्टार्टअप नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारे हम निफ्ट से हैं, निफ्ट पटना, हमारे प्रोडक्ट से जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया, हमारे क्लासमेट्स ने बनाया वो है। क्या क्या है इसमें? इसमें मधुबनी पेंटिंग है, ये सब हाथ से हम लोगों ने बनाया, और ये जिसको एप्लिक वर्क बोलते हैं, एप्लिक वर्क बहुत सारे होते हैं, तो ये हम उड़ीसा का, बिहार का, तो एप्लिक वर्क हमने यूज़ किया है। ये एज अ ये एक बैग है, बैग से यहाँ पे हमने ऊपर में डाला है एम्पावरमेंट, सो वुमेन एम्पावरमेंट, देयर इज अ प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड सैनिटरी कवर्स, या सैनिटरी नैपकिन कवर्स, वेयर यू कैन पुट इट ओवर देयर एंड यू कैन लाइक दिस, यू कैन, या यू कैन ओपन लाइक दिस एंड यू कैन पुट इट योर नैपकिन्स देयर एंड देन क्लोज इट, एंड इट्स नॉट लाइक मैनी ऑफ वीमेंस आर लाइक वेरी यू नो फील्स वेरी डिप्राइव या अनकम्फर्टेबल डिप्राइव, सो दैट्स वाई दीज पैकेट्स आर देयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रिलियंट आइडियाज के साथ ये लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वो अपना अपना कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बता रही है, और यहाँ पे और भी लोग हैं, चलिए हम जानते हैं। क्या क्या नाम हुआ मैम आपका? हेलो, माय नेम इज़ तन्वी, आई एम फ्रॉम निफ्ट, निफ्ट कॉलेज। क्या क्या खास है आपके पास? एक्चुअली देर इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसरीज, दैट इज़ द बॉडी चेन्स। बॉडी चेन्स इज समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन लॉन्च इन इंडिया एज ऑफ येट, सो वी मेक बॉडी चेन्स एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट एज वेल फॉर दैट। या दीज आर ऑल सेमी प्रीशियस स्टोन्स। सेमी प्रीशियस स्टोन्स आर दो स्टोन्स विच क्रिस्टल्स हेल्प अस टू फोकस फॉर अ proper strength target. For example, if you want to have peace around you and you your mind is and your body is not in a positive aspect, then you can choose rose quartz crystal or clear quartz crystal that can help you with focusing for peace and everything. If you want to attract people around you and if you want to have good relations with people, for example in case of love, then you can obviously choose for rhodonite, rhodonite bracelet and rhodonite pendant. ये सच में वर्क करता है? Do you really think that? Yeah, it worked. Have you tried it? Yeah, our customers have actually tried it. And what about you? You are selling it?
Yeah, I have rhodonite. I wear it every single time, and I wear pyrite. Pyrite is something that attracts money, that attracts... How you came with this idea? Yeah, so basically I was always intrigued with crystals, and body jewelry was something which I always wanted to wear. But there was no website in India which could sell that. And after the Shein was banned, there was no as such no website. So I thought of launching my own brand. So it started as a hobby and then became into a brand. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं निफ्ट से आई हुई हैं और भी बहुत सारी जगह से आई हुई हैं, बट इनका ये कहना है कि इनका खुद का जो आइडिया रहता है, इनकी तरफ से जो रहता है, वो इन्होंने अपना फोकस किया है और जिस चीज़ में इनको रुझान है वो चीज़ यहाँ पर लाकर फोकस किया है। और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के लिए। और जो नीतीश कुमार ने बोला है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात कहीं ना कहीं सही दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे महिला आकर अपने कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। तो अब बिहार दिवस में ये सब है और भी बहुत सारी चीज़ें। आप बने रहिए कजिस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।